मंडला जिले के कलेक्टर कार्यालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सीलिंग गिर जाने से 5 लोग घायल हो गए। सीलिंग उस वक्त गिरी जब प्रधानमंत्री आवास से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडला जिले के प्रधानमंत्री आवास से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अचानक छत का छज्जा हॉल की सीलिंग पर गिरा और सीलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल कर्मचारियों पर गिरी। यदि हॉल पर सीलिंग न होती और छज्जा सीधे कर्मचारियों पर गिरता तो चोट गंभीर हो सकती थी। सीलिंग गिरते ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और वो तत्काल हॉल के बाहर आ गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनको प्राथमिक चिकित्सा दी गई। इस घटना पर जिला प्रशासन कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहा है। घटना में घायल कर्मचारियों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अचानक छज्जा गिर गया, जिससे करीब 5 कर्मचारी घायल हो गए। किसी के सर पर तो किसी को शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोट आई है। कर्मचारियों ने बताया कि वो इस भवन पर कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इस तरह की घटना हुई है। आज 27 तारीख को तो NIC भवन में आए थे, BC चालू थी और ऊपर से छत गिर गई तो घुटने में चोट आई है प्रधानमंत्री आवास की। अभी तो हम चार पांच लोग हमारा साथी कटरा में, बाकी 4 लोग नहीं आ जिनको कटरा ले गए हैं उनको ज्यादा, उसको भी सिर में चोट है तो मेरे को दोनों घुटने में चोट। कौन कौन अधिकारी शामिल थे? SDO सर थे और हमारे जो जिले के थे प्रधानमंत्री आवास के, और हम लोग सभी इंजीनियर थे और कुछ BC थे प्रधानमंत्री आवास के। कुछ नहीं, VC चल रही थी, हम लोगों की बैठे थे, अचानक में छत से कुछ गिरा था, मतलब फॉल सीलिंग वगैरह गिरी है शायद, तुरंत में समझ में नहीं आया था, हम लोग बाहर आ गए थे थोड़ी सी बस। अभी तो इसको आकांक्षा कोई लगी है, मुझे थोड़ा सा घुटने पे लगी है, बाकी लोगों का भी खबर नहीं लिए वैसे, शायद नहीं लगी है। क्या ऑफिस वालों को पता नहीं था कि जर्जर है बिल्डिंग, कभी भी गिर सकती है, उससे पहले कुछ ऐसा नहीं था? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि हम लोग कई बार वहाँ पे बैठ के VC अटेंड करते हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। किस चीज़ की VC चल रही थी? ये प्रधानमंत्री आवास पे चल रही थी भोपाल स्तर से।